हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो बेसिकली हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क होगा। हम सपोज करते हैं कि ये वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है और इस डिस्क का कुछ रेडियस है, ये सेंटर होगा डिस्क का, इसको मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ, और इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, इस डिस्क का रेडियस। अब इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज कर दीजिए चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसकी एक एक्सिस है, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली पास कर रही है इस डिस्क के थ्रू, ठीक है। तो अगर डिस्क ऐसा है तो एक्सिस अबव एंड बिलो ऐसे जा रही है। इस डिस्क को मैंने यूं दिखाया तो एक्सिस ऐसे जा रही है इसके थ्रू, ठीक है। तो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, इसी एक्सिस पे कोई रैंडम पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें वो फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो डिस्क है इसका एक एलिमेंट कट करेंगे, और जो एलिमेंट होगा वो हम रिंग की फॉर्म में कट करेंगे। तो मैं एक रिंग कट करूँगी इसमें से, डिस्क में से, आई एम सॉरी अबाउट द ड्रॉइंग, इसमें से एक रिंग कट करेंगे। इस रिंग का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर, ठीक है, इसका रेडियस होगा स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डी आर, ये डिस्टेंस होगा डी आर। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं सेंटर से जो पॉइंट पी है जहाँ हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो जो डिस्टेंस है ओ पी डिस्टेंस है वो है स्मॉल एक्स। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देती हूँ, ए और पी को हम जॉइन कर देंगे, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आर है, राइट, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब हम मान लेते हैं ये जो पूरी डिस्क है इस पे जो ओवरऑल चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। हमने एक एलिमेंटल पोर्शन कट किया है, एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग कट की है, तो उस एलिमेंटल रिंग पे जो स्मॉल चार्ज है हम मान लेते हैं वो है डी क्यू, ठीक है, ये चार्ज है, स्मॉल चार्ज ऑन रिंग है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये जो रिंग है इसका स्मॉल एरिया भी है, स्मॉल एरिया को हम डी ए से डिनोट कर रहे हैं। अब एरिया क्या होगा, क्योंकि रिंग जो है वो सर्कल की फॉर्म में होगी, तो उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये हो जाएगा उसका एरिया, स्मॉल एरिया। अब एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज जो है रिंग के लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ, चार्ज जो होगा वो होगा डी क्यू, एरिया हमने निकाल ही लिया 2 पाई आर डी आर, तो सिग्मा को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें डी क्यू की एक वैल्यू मिल जाएगी, डी क्यू आएगा हमारे पास 2 पाई आर डी आर सिग्मा, इसको हम अभी फर्दर यूज़ कर लेंगे। अब जो लास्ट वीडियो थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कुछ ऐसा था वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू डिस्टेंस था साथ में, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंटल रिंग है उसमें स्मॉल फील्ड लग रही है डी ई, तो अब ई की जगह हम डी ई यूज़ करेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के ई के इक्वल लिख रही हूँ। चार्ज जो है रिंग के ऊपर वो है डी क्यू, जो डिस्टेंस है उसका पॉइंट पी से वो है एक्स, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इसके बाद
के ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। और साथ में डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 2πr dr इंटू सिग्मा, तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी 2πr dr इंटू सिग्मा। अब हमें पूरी डिस्क के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल रिंग है, ऐसी हम बहुत सारी एलिमेंटल रिंग्स कट करेंगे, राइट। उन सारी रिंग्स की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी, जो भी डिस्क पर, डिस्क की वजह से लग रही होगी पॉइंट पी पे। तो बेसिकली अगर हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डिस्क की, तो हमें इंटीग्रेट करनी होगी हर एक इंडिविजुअल फील्ड रिंग की, और डी ई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होके कैपिटल रेडियस आर तक वेरी करेगा। तो अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, हमें डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है ये वाली, तो ये आ जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू आर के ई एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2πr डी आर इंटू सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे एक्स को, पाई को और सिग्मा को, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा हमारा 2r डी आर, इंटेंशनली मैंने 2 को अंदर रखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये इंटीग्रेशन की फॉर्म हमने मैथमेटिक्स में सॉल्व की हुई है, होता क्या है, ये जो ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल जाती है, तो डायरेक्टली हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये बाहर वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी जो भी ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, लिमिट्स सेम रहेंगी 0 to R, राइट। ये हमने किया हुआ है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। इज इक्वल्स टू, अब -1/2 को मैं बाहर लेके आ रही हूँ, ये हो जाएगा -2 के ई एक्स पाई सिग्मा, और ब्रैकेट में रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1√R² + X², राइट। लिमिट्स रहेंगी 0 to R। अब लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, इज इक्वल्स टू -2 के ई एक्स पाई सिग्मा, अपर लिमिट R² + X² माइनस लोअर लिमिट, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जीरो डालेंगे, 0² + X² क्या हो जाएगा, X² स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा X, तो E आ जाएगा। अब मैं माइनस बाहर कॉमन ले रही हूँ और X को अंदर लेके जा रही हूँ ब्रैकेट के, तो माइनस को जब बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2KE πσ बचेगा, X को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है बाहर, तो ये नेगेटिव वाली जो टर्म है 1/x ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और x को हम अंदर लेके गए तो वो x से मल्टीप्लाई भी होगा, तो x/x हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और x से मल्टीप्लाई भी करनी है R² + X², तो ये आ जाएगा हमारे पास 2KE πσ 1 - X√R² + X², ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो KE की वैल्यू है ना 1/4πε0, ये सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो ये आ जाएगी πσ 1 - X√R² + X², तो ये बचेगा हमारे पास σ/2ε0 1 - X√√R² + X²,
अब जो सिग्मा है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरी डिस्क के लिए यूज़ करूँ सिग्मा को तो चार्ज क्या है डिस्क पे, कैपिटल क्यू, और एरिया कितना होगा उसका, पाई आर स्क्वायर। तो मैं सिग्मा की ये वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो सिग्मा यहाँ पे सिग्मा की ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, दैट इज क्यू बाय पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये होगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी राइट, पॉइंट पी पे इस पूरे डिस्क पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज उसकी वजह से। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।